किरण, परेशान हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? नहीं किरण, मैं बस ये कहने आई हूँ कि अपना घर बर्बाद होने से बचा लो। माफी मांग लो जरबाब भाई और उनके घर वालों से। मांग तो लिए माफी, अब क्या चाहते हो तुम लोग? पैर पड़ जाओ उनके। किरण, गलती भी तो तुम्हारी है, तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। इतनी बार माफी मांगी है लेकिन सहबाब मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या करूं मैं? सर बाप भाई गुस्से के तेज जरूर हैं लेकिन बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हो सकता है कि तुम उनसे माफी मांग लो, उनके सामने झुक जाओ तो उनका दिल भी पिघल जाए। कहीं इसलिए तो तुम ये सब नहीं चाहती कि मैं उनसे माफी मांग लूं और तुम्हारी राह हमवार हो सके? किरण, तुम्हारे और जहेब के बीच जो चल रहा है ना, उसका सबको इल्म है, सब जानते हैं इस बारे में। जहेब से शादी के ख्वाब अपने दिल से निकाल दो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जुहेब से शादी के ख्वाब देखोगी और तुम्हारे वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे? उसके घर वाले तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, जुहेब को आग कर देंगे लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होने देंगे। और रही बात मेरी, तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरे ससुराल वाले मुझे माफ कर ही देंगे, आखिर बहू उनकी, बहुत जल्द उनके खानदान को वारिस देने वाली हूँ। और सरबाब, सरबाब मुझे इस हालत में छोड़ नहीं सकते। तुम्हें समझा रही हूँ कि मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, इनकी कोई ताबीर नहीं है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, देख लेना, इसी रास्ते पर चलते चलते मुंह के बल गिरोगे। बढ़िया है, मुझे समझाने वाली। मेरे ससुराल पर नजरें जमाए बैठी है, इसी की, इसी मनहूस की काली नजर लगी होगी मेरे रिश्ते को।